नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 29 अक्टूबर शनिवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। भारतीय रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। रेलवे में अप्रेंटिस के 6,265 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसमें साउथर्न रेलवे में अप्रेंटिस के 3,150 पदों पर, जबकि ईस्टर्न रेलवे में कुल 3,115 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसके लिए 24 साल तक की उम्र के 10वीं पास उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट secr.indianrailway.gov.in पर जाकर 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेलवे द्वारा निकली गई बंपर भर्ती में उम्मीदवारों का सिलेक्शन बिना परीक्षा के सीधे 10वीं के नंबर के आधार पर किया जाएगा। कोटा से बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां सौतेले पिता पर उसकी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का आरोप लगा है। घटना के बाद पीड़िता की मां थाने पहुंची, जिसने अपने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वही पीड़ित नाबालिग को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया, जहां से उसे नारीशाला के अस्थायी शेल्टर में शिफ्ट कर दिया गया। उद्योगनगर थाना अधिकारी मनोज सिंह सिकरवार ने बताया कि महिला ने अपने पति पर उसकी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें महिला ने बताया कि उसके पहले पति से उसकी 12 साल की बेटी है, जो कक्षा 6वीं में पढ़ती है। उसके साथ उसके दूसरे पति ने दुष्कर्म किया। आरोपी कबाड़ी के व्यवसाय से जुड़ा है, जो विकलांग है। पुलिस ने बताया कि महिला का उसके पहले पति से अनबन के कारण तलाक हो गया था। उसके पहले पति से 2 बच्चे थे। वही 7 साल पहले महिला ने आरोपी से शादी की थी। आरोपी दिव्यांग से 3 बच्चे हैं। जहां देश में सभी राज्यों की सरकारें नौकरियों के नाम पर युवाओं को लुभाने में लगी हैं, राजस्थान में सरकार ने रीट परीक्षा में लेवल 2 शिक्षकों के पद 31,500 से 6,000 घटाकर 25,500 कर दिए। अब यह मुद्दा राज्य की कांग्रेस सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। प्रदेश के सारे जिलों में इसके खिलाफ युवा आक्रोश जता रहे हैं। 2 नवंबर को जयपुर में सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन भी होगा। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने युवाओं का रोष भांपते हुए इन पदों को फिर से बढ़ाने के लिए विभागीय स्तर पर समीक्षा करवाने का निर्णय किया है। नवंबर व दिसंबर माह में भाजपा ने पूरे प्रदेश में सरकार के विरोध में रैलियां, सभा, धरने, प्रदर्शन करने की जो घोषणा की है, उसमें पार्टी ने रीट के इस मुद्दे को भी अपनी योजना में शामिल कर लिया है। पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने बताया कि पद घटाने का यह फैसला कांग्रेस सरकार ने जल्दबाजी में किया है, जो पूर्णतः युवा विरोधी है। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र में एक 14 साल की लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता ने महिला थाना में 2 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस मामला दर्ज करने के बाद जब पीड़िता को लेकर मेडिकल कराने पहुंची, तो उसने मेडिकल कराने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कुछ ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिली। महिला थाना प्रभारी मंजू फौजदार ने बताया कि पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि वह रोजाना की तरह बकरियां चराने जंगल में गई थी। इस दौरान पड़ोस के गांव में रहने वाले 2 युवकों ने उसको पकड़ लिया और उसके साथ रेप किया। पुलिस ने बताया कि मामले में आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भरतपुर जिले में एक चौंकाने वाला वाकया सामने आया है, जहां एक युवक वीडियो बनाने के चक्कर में गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया गया कि युवक वीडियो बनाने के लिए ग्लास के नीचे पटाखे रखकर फोड़ रहा था, तभी ग्लास उसके प्राइवेट पार्ट में जा लगा और वो लहूलुहान हो मौके पर ही गिर पड़ा। घटना के बाद परिजनों की मदद से उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हलैना कस्बा की इंदिरा कॉलोनी में कुछ युवक बर्तनों के नीचे पटाखे रखकर फोड़ रहे थे। इसी दरमियान वहां 20 वर्षीय बिट्टू भी ग्लास के नीचे पटाखे रखकर फोड़ने लगा, तभी ग्लास उसके प्राइवेट पार्ट पर जा लगा और वो लहूलुहान हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। जयपुर के शिवदासपुरा थाना पुलिस ने पारदी गैंग पकड़ी है। गिरोह की 6 महिलाओं सहित 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। गैंग झुग्गी झोपड़ी बनाकर जयपुर में छिपी थी, जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। फिलहाल गिरफ्तार गैंग के बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। DCP साउथ योगेश गोयल ने बताया कि पारदी गैंग के बदमाश
45 वर्षीय धानी व 45 वर्षीय शेरू निवासी अमेठी उत्तर प्रदेश, 45 वर्षीय अरविंद भाई सोलंकी निवासी निशारपुरा भोपाल, 25 वर्षीय प्रीति सोलंकी निवासी निशारपुरा भोपाल, 23 वर्षीय रेखा सिसोदिया निवासी उनेदा गुनगा भोपाल, 25 वर्षीय रीवन निवासी गुनगा भोपाल, 23 वर्षीय हिरोनी निवासी कोतवाली आगार मध्य प्रदेश और 30 वर्षीय शेरनी देवी निवासी अर्जुन नगर कॉलोनी कोतवाली आगार मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया है। जयपुर समेत प्रदेश के मौसम में दिन और रात के मौसम में अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहा है। इसका नतीजा यह है कि लगातार मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ने के साथ ही रात के तापमान में गिरावट का दौर लगातार जारी है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली। मौसम विभाग केंद्र जयपुर के अनुसार इस सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा, ऐसे में सर्दी स्थिर रहेगी। उत्तरी हवाओं के चलने के बाद नवंबर के पहले सप्ताह बाद सर्दी जोर पकड़ेगी। पहाड़ी इलाकों में हाल में हुई बर्फबारी से ठंडी हवाएं चलने से रात का पारा गिरेगा। नवंबर में रात का पारा कई शहरों में 10 डिग्री से भी नीचे जा सकता है। इसके चलते सर्दी में ठिठुरन बढ़ेगी। राजधानी जयपुर के चोमू कस्बे में चोमू रैनवाल सड़क मार्ग पर एक पिकअप की टक्कर से बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक कालाडेरा थाने के कानरपुरा गांव का रहने वाला था। मृतक बाइक पर सवार होकर ग्राम झीड़ा से अपने घर की ओर जा रहा था। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर पिकअप ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। सहायक पुलिस उप निरीक्षक गुलाब चंद ने बताया कि कमरपुरा गांव निवासी 50 वर्षीय मूलचंद अपनी बाइक पर सवार होकर झीड़ा गांव से अपनी बेटी से मिलने गया था। बेटी से मिलने के बाद वह चोमू होते हुए कानरपुरा की ओर आ रहा था। रास्ते में राजकीय RL सहरिया कॉलेज मोड़ के पास एक अनियंत्रित पिकअप ने मूलचंद की बाइक को टक्कर मार दी, जिससे मूलचंद गंभीर घायल हो गया। सूचना पर पुलिस ने घायल को चोमू स्थित सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां उसकी मौत हो गई। राजस्थान में सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए गहलोत सरकार ने सड़क निर्माण एवं विकास कार्यों के लिए 65,91,00,000 रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसमें डामरीकरण, सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने, पुलिया निर्माण और नई सड़कें बनाने जैसे कार्य शामिल हैं। इस संबंध में CM ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में घोषणा की थी। राजस्थान रोडवेज को गैप फंडिंग के रूप में गहलोत सरकार 360 करोड़ रुपए देगी। जयपुर मजबूत सड़क तंत्र विकसित करने के क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में विभिन्न सड़क निर्माण एवं विकास कार्यों के लिए 65,91,00,000 रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री की मंजूरी से प्रदेश के बाड़मेर, डूंगरपुर, सीकर, भरतपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर, बांसवाड़ा एवं हनुमानगढ़ जिलों में सड़क सुदृढ़ीकरण, डामरीकरण, सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने, पुलिया निर्माण एवं नवीन सड़क निर्माण जैसे 20 कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण हो सकेंगे।